नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पत्की आप सभी का स्वागत करता हूं बाम्बू नर्सरी डोंगरोली में। आज मैं आपको ऐसी स्पीशीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं कि जो पूरी इंडिया में काफ़ी जगह मिलती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। काफ़ी छोटे किसान इसे प्लांटेशन करने के लिए इच्छुक है, पर ये सही प्लांटेशन वाली स्पीशीज़ नहीं, क्योंकि इसके पीछे जो आज मैं कारण बताने जा रहा हूँ वो आप पूरे ध्यान से सुनिएगा कि इनमें क्या क्या प्रॉब्लम है ये स्पीशीज़ में। पहले तो इसको ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से इसमें इसके बीच में दो प्लांट के बीच में कम से कम 15-20 फीट का डिस्टेंस छोड़ना पड़ता है। इससे आपका ये होता है कि प्रोडक्टिव लैंड कम होती है और प्रोडक्शन तो लिमिटेड है, क्योंकि ये स्मॉल स्पीशीज़ में बाम्बू आता है। ये मैक्सिमम 20 फीट तक जाता है और इसका डायमीटर 2-2.3 इंचेस तक जाता है। इसका इंटरनोड बल्की है और ढेर सारा ब्रांचेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बाम्बू को बहुत ज़्यादा हेवी ब्रांचिंग है और जहाँ इंटरनोड से ब्रांच निकली है वो इतनी ज़्यादा मोटी और प्रोमिनेंट है कि ब्रांच क्लीनिंग होने के बाद भी वो वहाँ पर मार्क छोड़ने वाली है उसके एग्जिस्टेंस का, और इंटरनोड भी बल्की है। तो कोई ख़ास क्वालिटी का टिम्बर नहीं है, पर हाँ ये बहुत ही पावरफुल है। इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर बाम्बूज। पर फार्मर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो इसके बीच में हमें कम से कम 15-20 फीट का डिस्टेंस छोड़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होता है और ब्रांचिंग काफ़ी सख्त होता है तो उसे निकालना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए 20 फीट पे आप प्लांटेशन भी करते हो या 15 फीट पे भी करते हो तो आपका काफ़ी जगह छूट रहा है। यानी कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ है कि 15x15 में आपके दो पौधे नहीं, तीन पौधे बैठ जाएंगे। ऐसी भी स्पीशीज़ है 7.5 फीट के डिस्टेंस पे, और डायमीटर भी इसका खास नहीं जाता, 2.3-2.4 तक मैंने आज तक देखा है। और एनुअल शूट्स जो होते हैं वो 5 से 8 नंबर ऑफ शूट्स होते हैं, उनकी लंबाई 20 फीट तक जाती है। तो फार्मर प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो वो बहुत बढ़िया प्रोडक्टिव बाम्बू नहीं, क्योंकि इसका जो बल्ली है बांस का, बाम्बू का जो बल्ली है, ये महाराष्ट्र रायगढ़ में 35 रुपीज़ का रेट चल रहा है तोड़ के लेके जाते हैं जो। तो 5 से 8 बाम्बू कुछ खास इकोनॉमिक्स नहीं बनेगा। ये बाम्बू को भी काफ़ी प्रमोट किया गया, इससे पहले भी मोजो के नाम से इसे बेचा गया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मोजो बाम्बू, जो मोजो बाम्बू इंडिया में कभी नहीं आता पहली बात, क्योंकि वो कोल्ड क्लाइमेट कोल्ड रीजन का बाम्बू है और हमारे यहाँ पे माइनस टेम्परेचर नहीं जाता, -15 टेम्परेचर नहीं जाता, तो मोजो बाम्बू हमारे यहाँ नहीं आ सकता। हम शुरुआत में लोगों को कह रहे थे, फार्मर्स को, कि मोजो बाम्बू ऐसा कोई आने वाला नहीं है, पर फार्मर्स ने नहीं सुना तो आज उसका नतीजा वो भुगत रहे। ये ऐसा ढेर सारा ब्रांचिंग है और 30-35 रुपये के ऊपर इसका रेट नहीं मिलने वाला। सो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बाम्बू प्लांटेशन करते समय यदि अगर आपने कोई भी ऑर्डिनरी स्पीशीज़ का चुनाव किया कि जो 30-35-40 रुपया 100 रुपया इसके ऊपर उसका रेट नहीं मिलना है तो आपको उसमें बहुत सा फ़ायदा नहीं होगा। स्पीशीज सिलेक्शन के लिए आपको ये ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान में रखना कि कंसिस्टेंट डायमीटर, स्ट्रेट ग्रोइंग नेचर, इंटरनोड उसका बल्की ना होना, दो गांठ के बीच का डिस्टेंस जो है वो एक समान होना, और उसका मल्टी यूटिलिटी होना, यानी कि टूल फ्रेंडली भी होना चाहिए, वो एडिबल भी होना चाहिए, उसका स्लाइवर भी निकलना चाहिए, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका फर्नीचर भी बनना चाहिए। तो ध्यान से आप कभी भी प्लांटेशन करते समय ये जो पॉइंट्स मैंने बताए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताए, आप जो कोई बाम्बू लगाने जा रहे हो आपके खेत में, आपको इनसे पहले ये कंफर्म करना होगा क्या ये इनमें ये पॉइंट्स कवर्ड है, ये स्पीशीज़ ऐसी आती है तो ही आप बाम्बू प्लांटेशन के लिए जाए, वरना ऐसे 30-35 रुपए वाले बाम्बू सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, पैसा कुछ नहीं देंगे। धन्यवाद।